हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड अदर व्लॉग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं जो हूँ इस्लामाबाद पहुँच चुकी थी, लेकिन वो वाला व्लॉग मैंने कवर नहीं किया। लेकिन आज हम सुबह सवेरे ये उठे हैं और ये हमारी गाड़ियाँ जो है रेडी शेडी हो रही हैं। और आप लोगों से मुझे करनी थी आज एक न्यूज़ शेयर, वो ये है कि मैंने अपनी टूर एजेंसी स्टार्ट कर ली है। तो आज का जो ट्रिप है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। वैसे हमेशा मैं ट्रिप ज्वाइन करती हूँ एज अ टूरिस्ट, लेकिन इस दफ़ा मैं ज्वाइन कर रही हूँ एज अ टूर ऑपरेटर। तो ये फर्स्ट ट्रिप नहीं था, इससे पहले भी मेरे ट्रिप निकल चुके हैं, पर ये वाला ट्रिप मैंने सोचा कि खुद एक मैं ऑपरेट कर लेती हूँ। अब जाहिर सी बात है हर ट्रिप मैं खुद से तो नहीं कर सकती ऑपरेट, तो उसमें हमारे इसके लिए हमारे ऑपरेटर्स वगैरह सब कुछ है। लेकिन ये वाला ट्रिप मेरा दिल था कि मैं खुद से ऑपरेट करूँगी। तो देखते हैं कि आज आगे के क्या सीन्स हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या डिफरेंस है एज अ टूरिस्ट और एज अ टूर ऑपरेटर। तो बस अब हम निकल रहे हैं, ये पार्टिसिपेट्स वगैरह सारे खड़े हुए हैं। ये हमारा कोस्टर है और सामान वगैरह लोड हो रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल बादल जो है ना, बारिश वाले हो चुके हैं। यहाँ पे कभी भी किसी वक्त भी बारिश हो सकती है शुरू, बल्कि लगता है कि शुरू होने वाली है अभी। तो बस जल्दी से निकलते हैं, आगे हम जाएंगे, नाश्ता करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 7:15, तो 7:15 बजे हम बस फाइनल कर रहे हैं और फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर आगे चलते हैं। ओके जी, यहाँ पे अब बारिश जो है ना शुरू हो चुकी है। और ये हमारे सामान पड़े हुए हैं, ये पैराशूट वाला कपड़ा तो है, उसको खैर हम कवर तो करवा लेंगे, लेकिन हमारा अल्लाह खैर करे, क्योंकि मैं तो गीली हो रही हूँ यार। पार्टिसिपेट्स को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है होटल से। ओके जी, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बालाकोट और यहाँ पे हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। ये सारे हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पहले हमारी यही थी कि क्लाइंट्स बैठ जाएं, उनको बिठा दिया, वो कर रहे हैं, नाश्ता शुरू हो चुका है, तो अब हम करेंगे। तो जी आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को मैं आगे के सीन्स भी दिखाती चलती हूँ। क्योंकि आज तो है पहला दिन और हमारा 8 दिन का ट्रिप है, तो आगे चलते चलते आगे आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मैं ऑपरेटर हूँ तो सीन्स कुछ अलग है इस दफ़ा। ओके जी, अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करके निकल चुके हैं आगे चिलास के लिए। आज हमारा जो स्टे होगा वो चिलास में होगा, फिर सुबह को हम निकलेंगे आगे स्कर्दू के लिए। तो आज का जो इस दफ़ा का जो हमारा ट्रिप है वो 8 दिन का हमजा और स्कर्दू का ट्रिप है। तो अभी हम बस आगे जा रहे हैं। तो आज है डे 1 और यहाँ पे हो रही है अभी तो बारिश भी हल्की हल्की सी, प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है अभी। इस्लामाबाद में तो बहुत ही गर्मी थी। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नारान और आज हमारा नारान में से नहीं है, तो यहाँ से हम क्रॉस करते हुए जाएंगे चिलास की तरफ। पहले बाबू से टॉप, वहाँ पे स्टॉप है, उसके बाद चिलास में गए। ओके जी, आज का जो हमारा स्टे है वो चिलास में था, तो हम लोग चिलास पहुंच चुके हैं। और अभी हमारा था डिनर टाइम, तो डिनर जो है हम लोग कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। और बहुत ज़्यादा सबको भूख लगी हुई थी, तो मुझे भी लगी हुई थी, मैंने भी खा लिया। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो डिनर में आज सीन्स ये थे कि चिकन कढ़ाई थी और दाल चना थी। शुक्र है कि इस दफ़ा दाल चना थी, वरना तो लास्ट ट्रिप पे 8 दिन मैंने दाल माश खाई थी और अब भी मुझे अगर दाल माश मिलती तो मैं ब्लास्ट हो जाती। तो दाल चना तो बहुत अच्छी थी और मैंने तो यही खाई है। तो चिकन आज मैंने नहीं खाया और मेरा मूड भी नहीं था। वैसे आगे तो और 7 दिन चिकन ही खाना है, तो इसलिए आज का दिन मैंने ब्रेक दे दिया है। तो बस अब डिनर वगैरह कर लिया है, अब जाऊँगी मैं रूम पर, फ्रेश होते हैं, आराम करते हैं, फिर सुबह को निकलना है आगे स्कर्दू के लिए। ओके जी, सुबह सवेरे सबसे पहले तो उठी मैं और एज अ टूर ऑपरेटर सबको पहले तो मैंने उठाया, उसके बाद मैं रेडी शेडी हुई हूँ। और ये है मेरा रूम, जिसका मैंने बहुत बड़ा का बड़ा कर दिया है। ये मैंने सामान अपना पैक कर लिया है, ये और सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो बस जल्दी से बस सामान वगैरह पैक करके जाती हूँ, देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट बन गया है कि नहीं, और फिर बोलती हूँ कि सारे सामान अपने निकाल दें। उसके बाद सामान लोड करवाने गाड़ी पर, और आज हमने निकलना है नाश्ता करके डायरेक्ट स्कर्दू के लिए। तो जाके देखती हूँ क्लाइंट्स में उठ गए कि नहीं उठ गए, क्योंकि उनको उठाया तो था मैंने पहले, तो रेडी हो गए हैं कि नहीं रेडी हो गए। तो चलते हैं। और आज का मेरा लुक ये है, फुल लुक आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे कोई मिल जाए तो पकड़ के उनको बोलती हूँ कि मेरा रिकॉर्ड कर दो। सारे मेरे शरीफ क्लाइंट्स जो हैं बेचारे रेडी शेडी होके बैठे हुए हैं। अब बस नाश्ता बन रहा है और लगने वाला है, तो बस नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है सामान लोड करेंगे और निकलेंगे हम लोग आगे के लिए। आज हम कवर करेंगे स्कर्दू में अपर कचूरा, शंग्रीला और देखेंगे और कौन कौन सी प्लेसेस। सो हाय मैडम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। नाश्ते के लिए रेडी हो? नाश्ता तो नहीं बनवा रहे आज हम, आज आपका रोज़ा होगा। ये सुन ना के बहुत वो बन गया है नाश्ता, आप लोग बैठेंगे तो लग जाएगा। ओके, मैं किसको ढूंढ रही हूँ? हाँ, मैं ड्राइवर को ढूंढ रही हूँ। तो फिर हम होटल वालों को बोलूँ, तो फिर हम जो है सामान जो है लोड करवाएँ गाड़ी में। ये हमारा यहाँ पे सामान लोड हो रहा है गाड़ी में, और सारे ये देखो क्लाइंट्स जा रहे हैं बैठने के लिए, ये सब बैठ रहे हैं। और हमारे माशाल्लाह से क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, पहले ही गाड़ी में आके बैठ गए हैं। सामान लोड हो जाए तो फिर बस हम निकलते हैं जल्दी से। ये जो मैं बहुत बड़ा बनने की कोशिश करती हूँ, तो ये कपड़ा मैंने खुद ही किया हुआ है। सारा शैम्पू गिरा दिया है अपने कपड़ों पे, स्ट्रेटनर पे, चप्पल पे, ये सारा कुछ अभी मैंने निकाला है और शॉपर फेंक दिए। आधा सामान यहाँ पे रखा है, ये स्ट्रेटनर मैंने यहाँ पे रख दिया है। ड्रेस मेरा ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, ये अब निशान पड़ जाएंगे मुझे लगता है मेरी ड्रेस पे, पर अब आगे जाके वॉश करती हूँ। और क्या करूँ, दूसरा सामान मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, अब मैं ऊपर तो उतारने से रही और मेरा चेंज करने का मूड नहीं है अभी। ऑब्वियसली तो अभी हम लोग पहुँचे हैं थ्री माउंटेन जंक्शन पे। यहाँ पे हमारे स्टॉप गिरने लगी हूँ मैं, हवा बहुत तेज़ है और मैं हवा में उड़ जाऊँगी लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे इस तरफ, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ पे बैठने जा रही हूँ। और सनलाइट बहुत तेज़ है लेकिन हवा जो है ठंडी ठंडी है, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही, बैलेंस हो रहा है। अभी भी वो व्यू नहीं नज़र आ रहा, नीचे जाके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं जा रही हूँ नीचे नीचे नीचे, और जो हमारा यहाँ भी वायर आ गई। ये पीच आइस टी, और ये है हमारा आज का स्टॉप। यहाँ पे हमने शॉर्ट स्टॉप किया है थ्री माउंटेन जंक्शन पे। तो आप लोगों को अभी मैं व्यू दिखाती हूँ हमारा अभी का। और बहुत तेज़ हवा है इसलिए मेरे बाल जो है ना पूरे ख़राब हो चुके हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये है हमारा अभी का व्यू, ये है थ्री माउंटेन जंक्शन। हम लोग पहुँच चुके हैं स्कर्दू, और हमारी आज की पहली पॉइंट है अपर कचूरा लेक। और आज का ये जो व्यू है ना, हसीन, मतलब उफ, दिल खुश हो गया मेरा। तो ये देखा, और बारिश भी होने वाली है, बारिश वाला भी हो रहा है। तो अगर बारिश हो तो हमारा तो ट्रिप और अच्छा होने वाला है। प्यारा सा मौसम है, गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और यहाँ पे अब हम करेंगे बोटिंग। तो ये तो व्यू मतलब बहुत ही हसीन वाले। इसका भी वीडियो बना। यहाँ पे हम पहुँचे और ये हमारे जो है भाई लोग हमारी खिदमत कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टूर गाइड, टूर गाइड, चलने के लिए अच्छा, जीने के लिए एक ने वाला और चलने के लिए एक घूंट पानी। पानी के नाम पे हमें स्प्राइट पिला रहे हैं ये लोग। आप सोचो कि सियासतदान हो। अच्छा, तो ये अभी हम लोग जो है ना लोअर कचूरा से यहाँ पे प्राडो में आए हैं। तो ये लोग भाई लोग हमें उस गाड़ी में लेकर आए, उस गाड़ी के हमारे ये वाले ड्राइवर है, और ये एक अदद हमारा टूर ऑपरेटर है, मेरे साथ आया हुआ है। लेकिन इसको खाने और पीने के अलावा कुछ नहीं सोचता। मैं कायम हूँ, देखने वाला जीने के लिए एक घूंट जो है वो चलने के लिए। तुम्हें ये तो याद ही नहीं हो रहा है, दो घूंट चलने के लिए। तो मैंने पूरा गिलास काफी है, एक घूंट काफी है। आप पूरा दिन के ना वो आते ही नहीं, मैं गिलास में पूरा दिन पैदल चलूंगा। चलो ठीक है, अभी मुझे बोटिंग भी करनी है। और खाली नहीं चलती वो तो मेरी भी नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। खाली पेट किसी की भी पत्ती नहीं चलती। मेरी भी पत्ती गुल हो जाती है, खाना नहीं खाती हूँ मैं तो। चलो बोटिंग भी करनी है, पेट पूजा अगर आपकी हो गई हो तो। मुझे फाइनली यहाँ पे बिल्ली नजर आई है यार, नहीं डराओ छोटे बच्चे को। बिल्ली, हाँ वही तो चाँदी आज नजर आई। मैंने इतने ट्रिप किए हैं। चलो चाहिए 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 चाहिए, ये देखो कौन सी जुबान है। चलो चाहिए चाहिए चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो तुम लोगों की जो चाहिए भैया खाशा बशा शाबाश है। चुप करो। इतनी दफा नॉर्थ आई हूँ और मुझे कभी भी नॉर्थ में बिल्ली नजर नहीं आई, आज नजर आई है मुझे। हिम्मत भाई, हिम्मत भाई है ना, हिम्मत भाई, हिम्मत भाई नहीं हिम्मत, हिम्मत 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 हिम्मत, ये हमारे हिम्मत भाई। हिम्मत की हिम्मत है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं मेरा कुछ भी नहीं है, सारी कंट्रीब्यूशन इसकी है। फर्ज सारे पूछ गए खाने के बाद में आपको ऐसे सुनाते हैं। बस मेरे ब्लॉग ना होते तो आप नॉर्थ ना देखते, नॉर्थ ना देखते तो आप लोग यहाँ आते नहीं। अभी सुनाओ, ये मेरे ब्लॉग है जिसकी वजह से ये खाने के बाद हमें जो है सॉन्ग सुनाएगा। सॉरी सॉरी, तेरे काम आ गए शुक्र है, तेरे काम आ गए शुक्र है, हर्ज सारे अदा हो गए, फर्ज सारे अदा हो गए, आशिकों के खुदा हो गए, आशिकों के खुदा हो गए। ताले ताले बजी, हमने बीच में बजा लिया। कचूरा घूम के अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब हमारी ये है गाड़ियाँ और यहाँ से हम लोग निकलेंगे, बजाय जाएंगे होटल, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और हमारे क्लाइंट सब बोल रहे हैं कि हम थक चुके हैं और अंधेरे में हम क्या शंग्रीला घूमेंगे। तो बस अब हम जाएंगे अपने होटल। तो शंग्रीला आज नहीं करते, अगर बाकी दिन है हमारा यहाँ पे स्टे, उसमें टाइम मिला तो शंग्रीला विज़िट कर लेंगे, अगर नहीं मिलता तो फिर निकलेंगे उसके बाद फिर आगे की लोकेशन। चिलास से हम लोग आ गए थे कल स्कर्डू और कल हमने विज़िट किया अपर कचूरा लेक और उसके बाद हम लोग चले गए थे होटल पे। और वहाँ पे जो आप लोगों को पता है कि ये वाला मेरा ट्रिप जो है वो एज अ टूर ऑपरेटर है, एज अ टूरिस्ट नहीं है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ वो तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कल जो थे सारे क्लाइंट्स को पहले तो रूम्स दिए हैं, चेक इन करवाया है, सबको रूम्स में बिठाया है, फिर डिनर करवाया, ये वो मसले मसाइल इतने सारे, फिर जाके मैंने आराम किया है और सुबह उठी। और आज हम लोग आए हैं मंथों का वाटरफॉल विजिट करने और आज का व्यू कुछ इस तरह का है। हम मंटोगा पे आ चुके हैं और अपने गाँव पानी में पानी बहुत ठंडा है। हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को दिया था जो टाइम, अब 2 बज चुके हैं। तो अब हम लोगों को ढूंढ रहे हैं कि अब चलो बस आज जो है दूसरा पॉइंट जो कवर करना है वो है शिगर फोर्ट। तो अब जो टूर ऑपरेटर की ड्यूटी शुरू हो चुकी है। अब मैं ढूंढ रही हूँ अपने क्लाइंट्स को कि कहाँ है इधर, अब इतना रश है कहाँ से ढूंढूं सबको मैं। चलो खैर मिल जाएंगे। नहीं यहाँ पे तो नहीं है, उस तरफ देखती हूँ, पता नहीं कहाँ निकल गए सारे। इसके बाद जो है मैं अपना ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसका रीज़न ये था कि मैं उस ट्रिप को खुद लीड कर रही थी। वैसे अगर मैं जाती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कोई उठता है नहीं उठता, कोई रेडी होता है नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ मुझे ये होता है मुझे रेडी होना है, कॉन्टेंट बनाना है, घूमना है और क्या क्या करना है बस। इस ट्रिप पे मुझे जो मेरे साथ पार्टिसिपेट्स थे उनकी टेंशन थी, होटल पे चेक इन करना है, चेकआउट करना है, सबको रूम्स मिल गए नहीं मिले, किसने खाना खाया किसने नहीं खाया, इन सबको टाइम पे जो है उनकी लोकेशंस कवर करवानी है और वो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो मैं व्लॉगिंग जो है आगे से फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो ये वाला व्लॉग जो है बस मैंने इतना ही बनाया था। उसके बाद इंशाल्लाह आप जब भी जाऊँगी तो आप लोगों को फुल जो है जैसे बनाती हूँ मैं वैसे विज़िट करवाऊँगी। उसके अलावा अगर आप लोग मेरे ट्रिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, उसके थ्रू आप अपना ट्रिप जो है बुक करवा सकते हैं और किस दिन पे हमारा डिपार्चर होता है वो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को उस नंबर से मिल जाएगी। और बस फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।